इस वीडियो में हम जानेंगे MTR टेक्नोलॉजीज IPO के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो में कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो, बिजनेस मॉडल, कैश फ्लो, ये सब के बारे में आपको जानने को नहीं मिलेगा। इसमें हम सिर्फ लिस्टिंग गेन और शॉर्ट टर्म गेन, जैसे लिस्टिंग गेन के बाद अगर 2 से 3 दिन होल्ड करते हो तो वो शॉर्ट टर्म गेन में आता है, उसके लिए जितना इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उतना ही डिस्कस होगा इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। लिस्टिंग गेन के लिए क्या क्या जानने का जरूरत है उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और वो सब आप कहाँ पे देख सकते हो उसके बारे में भी मैं लास्ट में बताऊंगा। MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी हैदराबाद में स्थापित हुआ था और ये कंपनी इंडिया में प्रिसिशन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में लीडिंग प्लेयर है। कंपनी मिशन क्रिटिकल प्रिसिशन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करता है। कंपनी का टोटल IPO साइज है 1,03,72,419 शेयर्स का, जिसमें से 82,24,270 शेयर्स ऑफर फॉर सेल है। मतलब कंपनी का जो पुराना शेयर होल्डर है वो अपना शेयर्स मार्केट में सेल करेगा और इसका जो भी अमाउंट आएगा ये कंपनी के पास नहीं जाएगा, ये अमाउंट पुराना इन्वेस्टर के पास जाएगा। और फ्रेश इशू लाया जा रहा है 21,48,149 शेयर्स का। ये सब शेयर से जितना भी अमाउंट रिसीव होगा वो कंपनी के पास जाएगा, मतलब कंपनी का काम में लगाया जाएगा। शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है 574 से 575 पर शेयर। तो टोटल IPO साइज अमाउंट में हो रहा है ऑलमोस्ट 596 करोड़। इसका लॉट साइज रखा गया है 26 शेयर्स का। तो आप अगर 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 14,950 रुपीज का जरूरत है और आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में आप 2 लाख से ज्यादा अमाउंट से अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस IPO में आप अप्लाई कर सकते हो 3 मार्च से 5 मार्च तक। इन्वेस्टर्स के कैटेगरी वाइज टोटल IPO शेयर्स को अलग अलग प्रोपोर्शन में ऑफर किया जा रहा है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए टोटल साइज का 50%, नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए टोटल साइज का 15% और रिटेल के लिए 35%। IPO क्लोज हो जाने के बाद इसका अलॉटमेंट होगा 10 मार्च को। आपको अलॉटमेंट में शेयर अगर ना मिले तो आपका अमाउंट 12 मार्च को रिफंड कर दिया जाएगा और शेयर्स मिलने पर 15 मार्च को शेयर्स आपका डीमैट अकाउंट में भेज दिया जाएगा एंड 16 मार्च को कंपनी NSE और BSE पर लिस्टेड हो जाएगा। ये था पूरा IPO का डिटेल्स। तो अभी आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो देखिए हम जैसे रिटेल कैटेगरी का इन्वेस्टर ज्यादातर IPO में इन्वेस्ट करते हैं लिस्टिंग गेन और शॉर्ट टर्म गेन के लिए, और लिस्टिंग गेन डिपेंड करता है IPO के ऊपर इन्वेस्टर का रिएक्शन, लिस्टिंग टाइम, ब्रॉड मार्केट का सेंटिमेंट एंड ग्रे मार्केट मतलब डब्बा बाजार डील के ऊपर। तो ये कंपनी को देखते हुए मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि आप IPO खुलने के बाद लास्ट दिन तक वेट कीजिए, क्योंकि ये कंपनी में इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है इसका बिजनेस, बिकॉज हमारा इंडियन गवर्नमेंट स्पेस एंड डिफेंस में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है उसको मजबूत बनाने के लिए, जिसका फायदा इस कंपनी को होगा। लेकिन कंपनी जो प्राइस रखा है IPO का वो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन मांग रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2020 के डेटा के आधार पर इसका PE हो रहा है 50 के आसपास और पिछले साल कंपनी शेयर्स बायबैक किया था 123 रुपीज पर शेयर्स, लेकिन इस वक्त पर शेयर का प्राइस 574 से 575 रख दिया गया। तो ये चीज इन्वेस्टर को नाराज कर सकता है। तो आप इन्वेस्टर का रिएक्शन देखने के लिए अलग अलग कैटेगरीज इन्वेस्टर का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या जा रहा है उसको जरूर देखना। दूसरा, ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या चल रहा है, कॉस्ट एक्रेट क्या चल रहा है उसको भी चेक करना। सभी जगह अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में 2 वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं जहां पर आपको ग्रे मार्केट का प्रीमियम, कॉस्ट एक्रेट और सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने को मिल जाएगा। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप इतना सब चेक कीजिए, यही काफी है, फंडामेंटल में जाने का कोई जरूरत नहीं। फंडामेंटल को देख के लिस्टिंग गेन का अंदाजा लगाना मेरे हिसाब से बेकार है। आगे से कोई भी IPO आए तो लिस्टिंग गेन के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना और ये सब आप खुद ही आसानी से चेक कर सकते हो। इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करके एक के बाद एक वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और IPO लिस्टिंग गेन के बारे में आपको कुछ सीखने को मिला। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना और इसी तरह जेन्युइन कंटेंट पाने के लिए आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।